Good morning, students. Hope you all are great. So today our new topic in a grammar is viram chin. So viram chin means what? Viram chin means in English we are calling punctuation, right? Punctuation. So where we have to use these all punctuation. This is a very important whenever you are going to speak and whenever you are going to make a sentence. So these all, you have to keep it in your mind in which punctuation where we have to use. So now we are changing, like according to some I have given here, pramukh chinh hai, jo maine diya hai aapke. The first one is a purn viram. So purn viram means the full stop. Okay, the full stop. Purn viram ka matlab hota hai full stop. Full stop यानी कि the sentence whatever you are giving going to make the sentence that is fully it is end, right? So that is completed the sentence, like whatever you are doing work also it has completed, मतलब पूर्ण हो गया. So पूर्ण होता है तो हम लोग उसे full stop दे देते हैं, यानी कि वो वाक्य में कोई और काम कोई और वाक्य वहाँ add नहीं होगा, इसीलिए वो वाक्य वहीं पे कंप्लीट और पूर्ण हो रहा है जहाँ पे मतलब कहा गया है पूर्ण चिन्ह को प्रश्नवाचक या विस्मयक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों का अंत किया जाता है. इन दोनों को छोड़कर यानी प्रश्नवाचक और विस्मयक बोधक को छोड़कर यानी विस्मयक बोधक को छोड़कर सभी को मतलब अंत किया जाता है. जैसे कि इसमें यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो पूर्ण विराम में जैसे एग्जाम्पल्स क्या होगा, सूर्योदय हुआ और अंधकार नष्ट हो गया. सूर्योदय हुआ और अंधकार नष्ट हो गया. सो यहाँ पर सूर्य उदय भी हो गया, उनका काम खत्म हो गया और यानी कि भी सूर्य उदय होने वाला है और सूर्य उदय यदि सूर्य उदय होगी तो अंधकार नष्ट होगी, तो ये पूरा फुल स्टॉप में नहीं आएगी, है ना. तो ये सेंटेंस नहीं आता तो सूर्योदय मतलब जैसा कि सूर्योदय हुआ और सूर्योदय होने से अंधकार क्या हुआ नष्ट हो गया. जैसे आप मॉर्निंग को देखते हो जैसे सूर्य जैसे उदय जैसे होता है जो हम लोग अंधकार रहता है डार्क रहता है वो as soon as it has been वो नष्ट हो जाता है. तो यहाँ पे पूरा कार्य जो है संपन्न हो गया. सो पूरा ये खत्म हो चुका है. तो दैट्स व्हाट हम यहाँ पे फुल स्टॉप खड़ी पाई दे सकते हैं. इसी तरह नेक्स्ट हम आते हैं अल्प विराम. अल्प विराम का मतलब होगा आपको जो कॉमा देते हो, है ना. अल्प विराम मीन्स जो कॉमा यूज करते हो. अब कॉमा कब यूज करते हो, जब दो सेंटेंसेस होता है, है ना. दो सेंटेंसेस होता है वहाँ पे हम छोटा सा एक अल्प विराम देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विराम का मतलब क्या है. विराम मीन्स वो एक ब्रेक हो, एक मतलब पूरा फुल स्टॉप होता है. तो ये है कि ये छोटा सा विराम है, यानी तो यहाँ छोटा सा विराम में दो शब्द जोड़ते हैं. इनमें दो शब्द आई मीन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है. अल्प विराम में हम कितने वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है. जैसे यहाँ कहा गया है कि जैसे जब कहते हैं अल्प विराम में एग्जाम्पल है, जब हम घर से निकले कॉमा वर्षा हो रही थी. जब हम घर से निकले तो वर्षा हो रही थी, यानी कि हम जब घर से निकले तो वर्षा हो रही थी. तो यहाँ दो सेंटेंसेस है. सो यदि दो सेंटेंस इफ टू सेंटेंसेस आर देयर सो विच यू हैव टू यूज कॉमा, यूज कॉमा. सो यहाँ दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं अल्प विराम. जब दो वाक्यों को जोड़कर उसके जो मध्य में एक सेंटेंस की जो दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है उसके वहाँ हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं. अब आते हैं हम अर्ध विराम. अर्ध विराम यानी कि सेमी कोलन की कर सकते हो. तो इसमें हम अर्ध विराम में क्या कहते हैं कि अर्ध विराम जो है ये अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम
यानी अल्पवेग का जो स्टेटस है जो अल्प विराम से ज्यादा है और पूर्ण विराम से कम है। जैसे कि इनका जब एग्जाम्पल आता है, जैसे एग्जाम्पल में को मन लगाकर पढ़ो, तब मैंने यहाँ पे अर्ध विराम दे लगाया, को मन लगाकर पढ़ो, दो सेंटेंसेस है, परीक्षा निकट आ गई है। तो यहाँ दो सेंटेंसेस है, यहाँ कहा जा रहा है कि को मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा निकट है। तो यहाँ यहाँ पर क्योंकि इससे बढ़कर है, अल्प विराम से बढ़ कुछ थोड़ा ज्यादा है और पूर्ण विराम से कम है। प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, सो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे सारे प्रश्न भी किया जाता है। प्रश्न करेंगे तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, आप प्रश्न दिया, इसमें हम प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सिर्फ सवाल या प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का बोध होता है वहाँ हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जहाँ क्या क्यों कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। विश्वोदय बोधक में क्या होता है कि जैसे आप बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ चिन्ह जो है विश्वोदय बोधक में, यहाँ पे हर्ष यानी कि खुशी, शोक, इमोशंस, प्रेज, इस तरह का वर्ड यहाँ पे भाव पाया जाता है विश्वोदय बोधक में। और विश्वोदय बोधक आप जब भी बात करते हो, वाह क्या कमाल कर दिया आपने, इस तरह ये जब हम बोलते हैं, ये उनको हम प्रेज कर रहे हैं। सो जब प्रेज करते हैं तब इसका चिन्ह ऐसे पहले वाह वाह, यहाँ पे ज़्यादातर वाह इसका इस्तेमाल किया जाता है, या तो आप जब घृणा करते हो, यहाँ पे घृणा भी है, घृणा करते हो तो छी ऐसा कुछ आता है ना। तो यदि आप बहुत दुखी, शोक से बोलते हो, ओ सुख शोक से किसी को बोलने से ओ ओ का ये यूज़ किया जाता है ना। और ये जो है वाह, ये इसको हम लोग शाबाश में इस्तेमाल करते हैं, ओ मतलब कोई भी पेन फिल होता है, ओ सॉरी ऐसे बोलते हैं ना हम, ओ सॉरी, तो मतलब जो भी न्यूज़ सुनते हैं हम, मतलब तब हमारा वो चेंज होता है, हमारा इमोशंस चेंज हो जाता है, तब उसे हम ओ कहते हैं, है। तो जब यदि कोई घृणा है, ओ छी ऐसे कुछ मतलब बद बोल देते हैं, तो वो जाता है घृणा के भाव में, वो विश्वोदय बोधक में आता है। तो इस तरह, और गुस्सा जब करते हो वो उनका भी अलग होता है। तो ये सारे यहाँ हमारे विश्वोदय बोधक में हमें पाया जाता है, और विश्वोदय बोधक का चिन्ह या है। तो कौन कौन सा है पंक्चुएशन, फर्स्ट इज पूर्ण विराम, सेकेंड अल्प विराम, थर्ड अर्ध विराम, और फोर्थ प्रश्न चिन्ह, और फिफ्थ विश्वोदय बोधक, राइट। पूर्ण विराम में एग्जाम्पल जैसे कि सूर्योदय हुआ, अंधकार नष्ट हो गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, सो आई एम गोना वाइंड अप माय क्लास हियर, हैव अ ग्रेट डे।